जय श्री कृष्णा। आज मेरी वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सिंपल साड़ी, बिल्कुल जो शिफॉन की प्लेन साड़ी है, इसका डिजाइनर लहंगा बनाना मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए मुझे 2 मीटर, मैंने ये जो लाइनिंग का कपड़ा है रेड कलर का ये लिया है अस्तर लगाने के लिए, और ये इसी में मैच करती हुई येलो और रेड कलर में मैच करती हुई मैंने लेस ले ली है। ये पूरी एक साड़ी की लेस है, जितनी भी मुझे इसमें जरूरत होगी मैं इसके घर में लगाऊंगी। अब इसके लिए हमें जिसका लहंगा बनाना है उसके सिर्फ 2 मेजरमेंट चाहिए, एक होगा कमर के लिए और एक लंबाई का। कमर जो कि मेजरमेंट में 34 कमर का लहंगा बना रही हूँ और इसकी लंबाई 38 है। 38 बिल्कुल परफेक्ट है और 34 भी परफेक्ट है, इसलिए हम जो मार्जिन का कपड़ा है वो एक्स्ट्रा निकालेंगे। 34 कमर है और लंबाई 38 है। अब इसके लिए हमें ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से इसकी कटिंग सिर्फ ये करना है कि जैसे ये 2 कलर की साड़ी है तो बस इसे ये यहाँ से ऊपर रेड है, इसमें बीच में येलो कलर है, नीचे फिर रेड है, तो हम ये जो 3 हिस्से हैं, ये वाला और ये वाला, साड़ी के तीनों हिस्सों को हम कट कर लेंगे। ये भी अलग कपड़ा कट कर लेंगे, ये भी और ये भी, ये पूरी साड़ी का हम कपड़ा कट कर लेंगे। लेकिन इसका जो पल्लू है उससे मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं पल्लू का कपड़ा अलग कट कर दूंगी और उसके बाद जितना कपड़ा है उसे मैं पूरी ऐसे यहाँ से इसको कट कर लूंगी। यहाँ से रेड कलर अलग कर लूंगी, येलो कलर जो है उसे भी मैं अलग कर लूंगी, तो ऐसे मेरे पास 3 टुकड़े हो जाएंगे, रेड येलो और रेड। देखिए ये साड़ी की हमने कटिंग कर ली है, ब्लाउज के लिए हमने 80 पॉइंट का कपड़ा निकाल लिया है, आगे इसको पूरा ही कपड़ा रहने दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इन तीनों कपड़ों को कट कर लिया है। अब हमें डिजाइन बनाने के लिए हमारी 34 कमर है, वैसे हम ये जो ऊपर जो किनारे वाला हिस्सा है यहाँ पे, अब मैं सिलाई के द्वारा आपको बताऊंगी, ये आधा इंच की हमें इस तरीके की हमें क्लिट से लगानी है। अभी हमें नीचे के कपड़े नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ एक रेड कलर का कपड़ा लिया है उसमें मैं इस तरीके की क्लिट से लगा दूंगी। लहंगे का जो अस्तर है उसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है ये। अब इसकी जो हमें लंबाई है हमारे लहंगे की वो 38 है, 38 पूरी लंबाई है। उसके अंदर जैसे हम 2 इंच का अगर बेल्ट लगाते हैं तो नीचे की जो लंबाई होगी वो 36 है, और जो 36 इंच का हमें नीचे का तैयार किया था हमने लहंगा, और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो जैसे 36 इंच हमें ऐसे लंबाई लेनी है, उसके बाद जो अंदर का जो अस्तर होता है वो कम से कम हमें 1 से 1.5 इंच छोटा लेना चाहिए, ताकि लहंगे के बाहर वो जरा सा भी अस्तर ना निकले। तो मैं क्या करूँगी कि 2 इंच जैसे कि हमने घटा दिया ऊपर बेल्ट के लिए, वो हट गया तो हमारा बच गया 36 इंच। 36 के बाद हमें क्या करना है कि 1.5 इंच का उसे छोटा करना है, तो परफेक्ट हम 36 इंच का कपड़ा यहाँ नाप लेंगे और सिलाई के अंदर जो दबेगा वो लहंगे से अस्तर छोटा हो जाएगा सिलने पर। ये देखिए ये जो हमारे इसकी लंबाई है ये लगभग 36-37 इंच हमारी आ रही है, हल्की सी 36 से बड़ी है थोड़ी सी, तो हम इसे ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या करा है, ये 2 वर्ता कपड़ा है, मतलब डबल फोल्ड ये कपड़ा हमारा है, ये 2 मीटर है। अब हमें इसे कट करने के लिए क्या करना है कि यहां से जो ये भाग ऊपर से है इसका ये वाला, इसमें से हमें ये इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऊपर से इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे ये कपड़ा। अब ये इसके अंदर 4 कपड़े हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, समझ में आ गया होगा आपका। ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे करके हमने रख दिया। अब हम इसमें मेजरमेंट करेंगे, 36 इंच का चूंकि हमने कमर का हम लहंगा बना रहे हैं तो उसके लिए उसके अंदर हमने 5 इंच मार्जिन छोड़ रखा था, जो लहंगा थोड़ा सा लूज बनाने के लिए। अब उसके लिए अस्तर के लिए मैं नाप करूंगी यहां से, हम इसे 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी ऊपर कमर के हिस्से पे, ये 4 फोल्ड है, 4 कपड़े इधर है
और वैसे ही सेम इसके जैसे यहाँ पे लगाया है हमने ये चेंज, वैसे ही इसकी अपोजिट साइड में नीचे का जो हिस्सा है तो वो इस तरफ यहाँ पे, पहले हमने इधर ऊपर यहाँ पे लगाया है, अब उधर से इस तरफ ये हम 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। उधर से भी मैंने 6 इंच लिया है और ये इधर से भी 6 इंच लिया। अब कुछ भी नहीं करना, इस डॉट को उस डॉट से मिलाना है। तिरछा जो जाएगा ये लाइन स्केल से भी खींच सकते हैं और हाथ से भी इसका मेजरमेंट आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ये एक तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, बस इसको मैं कट कर लूंगी। ये तिरछी लाइन जो है बस इसे कट करना है, यहां से 6 इंच ऊपर इस तरफ लिया है और 6 इंच उस तरफ लिया है। ये दोनों हिस्से हमने कट कर लिए हैं। अब इसे हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, ये जो बीच का हिस्सा जो हमारा निकलेगा ये इस तरीके से, ये डबल वाला जैसे पेटीकोट बना हुआ रहता है सेम उसी टाइप से ये हमारा अंदर का अस्तर हमें तैयार करना है। और ये 4 हिस्से निकले हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी नीचे से। जो हमने 6 इंच लिया था उसको जब हमने खोला तो 12 इंच ये हो गया है और 12 ये यहाँ पे ज्वाइन करना है। जो ओरेप का हिस्सा है वो इस ओरेप पे जोड़ना है और इधर ओरेप वाला जो है इसको यहाँ जोड़ना है। सीधा सिंपल सा है, इसे मैं 2 हिस्से ये है आगे और पीछे के और 2 हिस्से ये इस तरफ जुड़ने वाले, 2 इधर जुड़ना, ऐसे करके 3 कलियां आगे होगी 3 पीछे होगी, मैं इसको जोड़ देती हूँ।